अयोध्या की तरह रायपुर में भी राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन को लेकर उत्साह है। रायपुर समेत प्रदेश के कई राम मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। राजधानी में प्राचीन दूधाधारी मठ में राम मंदिर भूमि पूजन का उत्सव मनाया गया, तो इस दौरान कांग्रेस के विधायक विकास उपाध्याय, राज्यसभा सांसद छाया वर्मा के साथ संस्कृति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और जसगीत गायक दिलीप षडंगी ने राम भजन की विशेष प्रस्तुति दी। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद वो घड़ी आई गई, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास होने जा रहा है और इस शिलान्यास को लेकर के देश भर में हर्षोल्लास का माहौल है। दीपोत्सव के रूप में हर जगह उत्सव मनाया जा रहा है। कुछ ऐसा ही माहौल छत्तीसगढ़ में राम ननिहाल में भी देखा जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद है राजधानी रायपुर के सुप्रसिद्ध दूधाधारी मठ में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी भगवानों को जितने हैं वहाँ पर विशेष श्रृंगार किया जा रहा है। यहाँ पर भी भगवान को स्वर्ण आभूषणों से श्रृंगार किया गया। इसके साथ ही हमारे साथ मठ के महंत राजश्री श्री राम सुंदर राज जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनके साथ जानेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर कार्यक्रम कराया जा रहा है, हर्षोल्लास का माहौल देखा जा रहा है, किस रूप से देखा। निश्चित रूप से आज बहुत ही सुखद क्षण है, सुखद पल है। वर्षों वर्षों तक हमारे पूर्वज इंतजार करते रहे, प्रतीक्षा करते रहे आज के दिन का। हम उन सौभाग्यशालियों में से हैं कि आज वह सुखद क्षण आया हुआ है। हम पूरे भारतवासियों के लिए, सनातन धर्मावलंबियों के लिए यह बहुत ही सुखद क्षण है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार जी का भव्य मंदिर बनने के लिए भूमि पूजन शिलान्यास कार्यक्रम अयोध्या में होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ से भगवान राम का बहुत ही पुराना और गहरा संबंध रहा है। माता कौशल्या छत्तीसगढ़ से रही है, पूर्व में छत्तीसगढ़ को कौशल प्रांत कहा जाता रहा और माता कौशल्या ने मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार जी को अपने उदर से जन्म दिए, अपने गोद में उन्होंने खिलाया है। छत्तीसगढ़ के प्रत्येक लोगों के भांजा हैं भगवान राम, पूरे भारतवर्ष के इष्ट देव हैं और सबके आस्था श्रद्धा के केंद्र हैं। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में दुगुने उत्साह का वातावरण है। छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम स्थान यह श्री दूधाधारी मठ है, जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार जी श्री स्वामी बालाजी भगवान विराजमान है और दूधाधारी मठ की परंपरा रही है कि श्री स्वामी बालाजी भगवान को, श्री भैया रघुनाथ जी को साल में 3 बार विशेष स्वर्ण श्रृंगार किया जाता है। श्री रामनवमी को, श्री कृष्ण जन्माष्टमी को और विजयादशमी दशहरा के दिन। लेकिन आज साल में 4थे बार दूधाधारी मठ के इतिहास में प्रथम बार है कि आज भगवान राघवेंद्र सरकार जी को, बालाजी को 4थे बार आज स्वर्ण श्रृंगार किया गया है। ये खुशी के अवसर के में कि जहाँ अयोध्या में जन्मभूमि राम लला का मंदिर भव्य बनेकर भूमि पूजन हो रहा है, तो वहीं हम लोग भी यहाँ विशेष रूप से पूजा अर्चना किए हैं। भगवान को विशेष श्रृंगार किया गया है, हवन कर रहे हैं, हनुमान जी का पाठ हुआ है, हनुमान चालीसा का मानस पाठ हुआ, भजन कीर्तन हुआ, संध्या समय दीपोत्सव का कार्यक्रम रहेगा, पूरे मठ परिसर को दीप मालाओं सजाया जाएगा। अभी हम जिस भगवान को दर्शन कर रहे हैं एक चतुर्भुजी स्वरूप में है, माता कौशल्या जी को जिस स्वरूप में दर्शन दिए थे भगवान उसी विष्णु अवतार में, ये चतुर्भुजी स्वरूप में हम दर्शन कर रहे हैं। माता कौशल्या जी के निवेदन के पर फिर वो बाल रूप में आए तो रघुनाथ जी का मंदिर सामने जहां हम दर्शन किए हैं वो है। अभी यहां बालाजी का स्वरूप में है, चतुर्भुजी स्वरूप में है विष्णु अवतार में, और दोनों मंदिरों में भगवान का हम लोग विशेष स्वर्ण श्रृंगार किए।